भाजपा महानगर की कार्य समिति की बैठक भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक स्थानीय होटल में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि विचारधारा को लेकर प्रतिबद्धता और निष्ठ कार्यकर्ताओं के बल पर भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। केंद्र से लेकर राज्य तक भाजपा की सरकार है। इसके माध्यम से भाजपा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान करने में लगी हुई है। देश का सर्वांगीण विकास भी हो रहा है। भारत दुनिया का सिरमौर बनने की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा, अच्युतानंद शाही, महानगर उपाध्यक्ष शशिकांत सिंह, दयानंद शर्मा, इंद्रमणि उपाध्याय, विधायक विपिन सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, विश्वजीतांशु सिंह आशु, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, महानगर पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम श्रीवास्तव, डॉक्टर सत्या पांडे, पुष्पदंत जैन, विश्वजीत सिंह आशु, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, देवेश श्रीवास्तव, ब्रजेश मणि मिश्रा, उमेश अग्रहरी, रमेश प्रताप गुप्ता, जितेंद्र चौधरी, जीतू, रणविजय शाही, गौरव तिवारी, मनोज अग्रहरी, अवधेश अग्रहरी, पद्मा गुप्ता, रंजुला रावत, अनुपमा पांडे, श्वेता श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार, रमेश चंद्र गुप्ता, वीरेंद्र पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह व महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, जिनके माता की, भारत माता की, बंदे बंदे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन के साथ इस महानगर के जिला कार्य समिति की बैठक प्रारंभ होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। इस ऐतिहासिक नगरी गोरखपुर में आज इस ऐतिहासिक महानगर कार्य समिति में यहाँ पर उपस्थित हम सबके नेता गोरखपुर क्षेत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत आज इस कार्य बैठक में विशेष तौर पर हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री विनोद पांडे जी भी उपस्थित है। आपका भी इस कार्य समिति की बैठक में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज इस कार्य समिति में महानगर के पूर्व अत्याधिक लोकप्रिय विधायक हम सबके बड़े भाई जिनका लगातार पूरे संगठन को हमेशा से सहयोग मिलता है। निश्चित ही यह कार्य समिति जो हमारा राम राज्य की ओर पर अपना स्थान ग्रहण करते जा रहा है, निश्चित ही आज के इस कार्य समिति की बैठक के माध्यम से हम सभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं स्वच्छता अभियान जो एक प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है, उसके तहत हम सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एक एक टीबी मरीजों को गोद लेकर उनकी सेवा का संकल्प लिए हैं ताकि भारत 2025 में हो रहा। निश्चित ही आज इस कार्य समिति के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का हम सभी अभिनंदन करते हैं। हम सभी का मंत्र है
हमारी कार्य समिति की बैठक, हम सब जिस विचारधारा में काम करते हैं, जिस आइडियोलॉजी को लेकर काम करते हैं, सचमुच लोकतंत्र के इतिहास में, दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास में ऐसी पार्टी और ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ये जब राष्ट्रीय कार्य समिति होती है उसके परिपेक्ष में फिर प्रदेश की कार्य समिति होती है, फिर प्रदेश की कार्य समिति के बाद सभी जिलों की कार्य समिति होती है। बाकी जो राष्ट्रीय कार्य समिति में प्रदेश कार्य समिति में जो होता है हमें उसको नीचे महानगर और जिले की कार्य समिति में लाया गया ताकि एक युद्ध योजना बने कि हमने क्या किया है कार्यक्रम और आगे आगामी क्या कार्यक्रम हमको करने हैं उसकी पूरी योजना रचना बनाई जाती है और अलग अलग सत्र इस कार्य समिति में चलता है। हमारा राजनीतिक प्रस्ताव भी इस कार्य समिति में रखा जाएगा, उस पर भी बहस होगी, उस कार्य प्रस्ताव को भी पास किया जाएगा और आगामी कार्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा होती है। उसी के निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी महानगर गोरखपुर की यह कार्य समिति बैठक सम्पन्न हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, 16 और 17 तारीख को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई थी और 22 तारीख को लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक समाप्त हुई थी। 5 फरवरी तक सभी जिला कार्य समिति की बैठकें संपन्न कर रही है और 15 फरवरी तक सभी मंडलों की कार्य समिति संपन्न होनी है। उसी क्रम में आज गोरखपुर महानगर की कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। पूरे 3-4 घंटों में अलग अलग विषयों पर कैसे संगठन को मजबूत करना, कैसे आगामी आने वाले कार्यक्रमों को ठीक से करना, कैसे आगामी आने वाले निकाय चुनाव में और आगामी लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए, एक राजनीतिक प्रस्ताव भी आएगा। इस प्रकार पूरे समावेश चारों तरफ से पूरे पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में यहाँ पर चर्चा मनन होगी।